कोरोना का अपडेट हमारा ये है कि अब टोटल मिला करके अभी तक हमारे पास 30 तारीख की सभी रिपोर्ट आ चुकी है। 30 तारीख तक की जो सैंपल भेजे थे उसमें, और हमारी संख्या बढ़ करके 40 हो गई। इन 40 में विशेष बात यह है कि 33 व्यक्ति सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं, जो आज़ादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते हैं, आड़त का काम करते हैं, उनके मजदूर या ट्रांसपोर्टर्स हैं। 2 स्टाफ नर्सें हैं, जिनमें से एक स्टाफ नर्स डायरेक्टली LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में काम करती है, और चूँकि जैसा मुझे अभी मालूम पड़ा कि दिल्ली सरकार का विधिवत रूप से जो एक्सक्लूसिवली कोविड हॉस्पिटल है वो अस्पताल LNJP है, उसके ICU में या वार्ड्स में इंडोर में जो स्टाफ नर्स काम करती थी वो बारूड की रहने वाली है, बारूड से ही अप डाउन कर रही थी। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसने हमारे संपर्क किया, उसके बाद हमने सैंपल भेजा और उसका भी पॉजिटिव आया। एक स्टाफ नर्स है हमारी UPSC की है, जिसके हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका भी सैंपल हमने भेजा है। हालांकि उनके हस्बैंड का सैंपल अभी नेगेटिव आया है, उसका दोबारा सैंपल हम भेजने जा रहे हैं। 4 जो व्यक्ति हैं वो सीधे तौर से वो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को कोरोना हुआ, वो दिल्ली में एडमिट हुआ, उस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए उनके परिवार वालों का सैंपल भेजा, जो 4 का 4 का पॉजिटिव आया है, जिसके तहत उनके गाँव को कंटेन कर दिया गया है पिछले 5 दिन से। बहादुरगढ़ के केस इसमें ज़्यादा निकल के आ रहे, 40 में से 30 केस जो है वो बहादुरगढ़ के निकल के आए हैं, और ज़्यादातर उससे जुड़े हुए हैं हमारे सभी मंडी जुड़े हुए हैं। एक केस हमारे पास ऐसा भी है जिसकी महाराष्ट्र के जो हॉटस्पॉट है उस एरिया की ट्रेवल हिस्ट्री थी, वहाँ वो काम करता था, वहाँ से आया था। तो हम जो हॉटस्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उनको भी हम चेकअप कर रहे हैं और सैंपलिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे को पॉजिटिव मिले। अब कोरोना को हमने बेसिकली ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कोरोना है, उसके बाद उसको भगाना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी 26 तारीख के बाद जो चल रही है वो रैंडम सैंपलिंग के लिए इसलिए चल रही है कि जो भी हमें सेंसिटिव एरिया लग रहे हैं, जिनका किसी न किसी रूप में दिल्ली से लगाव है, जुड़ाव है, या बाहर के किसी स्टेट से या किसी भी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ कोरोना की संख्या ज़्यादा है कोरोना पीड़ितों की, उन व्यक्तियों को भी हम सैंपल लेकर के उनके भेज रहे हैं, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि कोरोना संक्रमण कहाँ कहाँ के व्यक्तियों में है, किस किस व्यक्ति में, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को हम आम पब्लिक से अलग कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। अभी 30 तारीख तक की आ चुकी, करीबन 250 सैंपल हमने 1 तारीख को भेजे हैं, उनकी आज शाम तक या रात तक रिपोर्ट आ जाएगी। जहाँ तक के इन केसेज की सवाल हैं, हम 30 तारीख से ही लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को लिखते रहे हैं कि वहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को वहीं रहने की उनको सुविधा दी जाए। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिल्ली सरकार को बार बार पत्र भी लिखा है, उनसे बात भी करी मुख्यमंत्री दिल्ली से कि आप अपने कर्मचारियों को वहीं रोकिए, और उनको अगर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, इवन हरियाणा सरकार ने तो उनको ऑफ़र किया है कि हमारा हरियाणा भवन है या जितने भी सिंचाई भवन, जितने भी हमारे हरियाणा सरकार के भवन हैं, वो भी ऑफ़र कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों को रहने के लिए वो दे सकते हैं। तो मेरी तो हरियाणा इसकी झज्जर की जनता से भी अपील है, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो झज्जर के बासिंदे हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, वो कृपया जहाँ उनका वर्क प्लेस है वहीं रहें और वहीं रह करके अपना काम करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सकें और उनका परिवार और उनका जिला की जो जनता है वो सुरक्षित रह सके।